और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक हेयर प्रोडक्ट की जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ है जस्ट रिसेंटली। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेयर सीरम है जो मैं बात कर रही हूँ, उसका नाम है लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम। इट्स अ वेरी गुड सीरम, इसने मेरे पूरे हेयर टेक्सचर को बिल्कुल बदल दिया है क्योंकि आई एम यूजिंग फ्रॉम लास्ट 20 डेज और ये मुझे बहुत पसंद आया है। फ्रीजी हेयर है उसको ये रिमूव करता है और आपके हेयर को छः गुना अपने हेयर को ये शाइनी रखता है और आपके डिटेंगल जो हेयर है या फिर प्रॉब्लम है जैसे कि आपके हेयर कर्ली है या स्ट्रेटनर है या आपने कोई भी ट्रीटमेंट करवाया हुआ है लाइक हेयर कलर आपने करवाया हुआ है या फिर बिफोर हेयर स्टाइलिंग, आप मल्टीपर्पज हेयर सीरम को यूज़ कर सकते हो। और आज जैसा कि आप देख स्ट्रीक का मैंने एक सीरम भी यूज़ किया हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा ऑयली कर देता है, बट इस नॉट ऑयली। इसका टेक्स्चर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और आपके हेयर को बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड शाइनी बनाता है और आपके हेयर फॉल को 90% आपके हेयर फॉल को ये रिमूव करता है। तो बहुत अच्छी मुझे ये बात लगी सीरम ने कि आपके हेयर फॉल को भी रिमूव करता है, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल है। तो मेरे जब मैंने इसको यूज़ किया था तो यूज़ करने के बाद भी आफ्टर 1 वीक मुझे हेयर फॉल में थोड़ा इसमें दिखा था, अंतर दिखा था। तो अभी मैं इसे रेगुलर यूज़ करूँगी तो इसमें और ज़्यादा मुझे कुछ फ़र्क देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं इसका डेमो, इसको कैसे लगाना है। इस तरह से आपको नीचे की तरफ इसे अप्लाई करना है, बिफोर शैम्पू या आफ्टर शैम्पू अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके हेयर फॉल हैं और बाल बहुत उलझते हैं कंघी करते वक्त तो आप अप्लाई कर लें, उसके बाद आप कॉम कीजिए। फिर देखिए आपके जो बाल है ना उलझेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा 6 गुना शाइनी और स्मूथ और नरिश लगेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, देख सकते हैं मेरे बाल बहुत ज़्यादा शाइन भी कर रहे हैं। और इस ऑयल सीरम को आप बिफोर शैम्पू एंड देन आफ्टर शैम्पू भी अप्लाई कर सकते हो, तो आपके हेयर में काफ़ी ज़्यादा 6 गुना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 6 गुना शाइन कर लाएगा, आपकी फ्रीजीनेस को रिमूव करेगा। अगर आप गीले बाल हैं, आप उसको ब्लो ड्राई करना चाहते हैं, तो आपके हेयर को ये हीट से प्रोटेक्ट करेगा 230°C। तो ये बहुत अच्छी बात है इस हेयर सीरम में। और मुझे इस हेयर सीरम में सबसे अच्छी बात ये लगी, जो मेरे हेयर हैं बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, उसको ये काफ़ी हद तक रिमूव किया है। अदरवाइज़ अगर मैंने ये सीरम नहीं लगाया होता बिफोर शूट तो अभी तक मेरे बाल इस तरह से झाड़ रहे आपको दिखाई दे होते। बट मैंने इसको अप्लाई किया है 2-3 ड्रॉप्स अपने पाम में लेके, देन इस तरह से आपको अपने हेयर पर लगाना है, उसके बाद अपने मनपसंद का कोई भी आप हेयर स्टाइल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छा सीरम है, सब ऑल हेयर टाइप्स हैं किसी भी तरह के, क्योंकि बहुत सारे सीरम होते हैं आपने देखा होगा, लिवॉन भी थोड़ा सा स्टिकी करता है और भी बहुत सारे सीरम आते हैं, मैंने यूज़ किए हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। क्योंकि लिवॉन मैं इसलिए यूज़ करती थी क्योंकि आफ्टर शैम्पू या फिर बिफोर शैम्पू या फिर कभी कभी शैम्पू वगैरह नहीं किया है तो डिटेंगल होता है, क्योंकि जब आप कॉम करते हो तो आपके ये अड़ते हैं बाल, मेरे तो बहुत ज़्यादा अड़ते हैं, फिर उसके बाद हेयर फॉल होता है। ये इससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, साथ ही साथ आपके डिटेंगल जो होते हैं ना जब आप कॉम करते हैं जो अड़ते हैं, अगर आप इसे अप्लाई करने के बाद अगर कॉम करते हैं तो आपके हेयर बहुत ही स्मूथली कॉम होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है इस सीरम में। इसका जो टेक्सचर है मुझे बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगा, क्योंकि जब इसको अप्लाई किया था तो अप्लाई करने के बाद मेरे हाथ बिल्कुल भी इस तरह से चिपचिपे नहीं हुए, इवन मेरे हेयर भी नहीं करे। तो बिफोर शूटिंग मैंने इसी को अप्लाई किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी, तो आप देख सकते हैं मेरे हेयर में कितना डिफरेंस है पहले और फिर बाद में। और साथ ही साथ बिफोर स्टाइलिंग, अगर आप अपने कोई कर्ल करना चाहते हैं या अपना हेयर स्टाइलिंग करना चाहते हैं, स्ट्रेट करना चाहते हैं, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और ये एक ओवरनाइट मास्क का भी काम करेगा, मतलब ओवरनाइट आप लगा के इसे सो सकते हो, देन नेक्स्ट डे आप इसे शैम्पू कर सकते हो रेगुलर। और ये जो हेयर सीरम है ये ब्लेंड विथ 6 ऑयल, जो मैं इनके नाम मेंशन कर दूंगी आप चेक कर सकते हैं, जिसमें लोटस है, सनफ्लावर है, रोज है, बाकी और भी आप देख सकते हैं, इन सबको ब्लेंड करके ये हेयर सीरम बना है। तो बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी सारे फ्लावर्स को ये ब्लेंडेड करके हेयर सीरम बनाया है जो आपके हेयर को बहुत ज़्यादा नरिश रखेगा, बहुत ज़्यादा हेल्दी रखेगा। और ये आपके बालों को सनलाइट डैमेज से भी ये बहुत हद तक ठीक करेगा, जो सनलाइट के उससे जो आपके जो हेयर होते हैं डैमेज होते हैं उससे भी ये बहुत हद तक उसको प्रोटेक्ट करेगा। और
और आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की आती है। ये ग्लास का बॉटल है, ऊपर पंप है, तो बहुत इजी है इसको यूज़ करना। और अंदर कुछ ऑरेंजी सा बहुत ही क्यूट सा देखने को मिलता है, और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है आपके हेयर में। और आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी शॉर्ट हेयर है तो 1 से 2 ड्रॉप काफ़ी है, मेरे ज़्यादा बड़े नहीं है, मेरे छोटे हैं, तो 2 से 3 ड्रॉप्स मेरे हेयर पे ये आराम से अप्लाई हो जाता है। उसके बाद आप इसे अप्लाई करने के बाद कोई भी हेयर स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, आप कोई हेयर स्टाइलिंग कर सकते हो और अपने हेयर को बहुत ज़्यादा फ्री प्रोटेक्ट कर सकते हो हीट से, और फ्रीजीनेस से भी इसे बचा सकते हो। क्योंकि हम लोगों के क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हेयर होते हैं, मेरे बहुत ज़्यादा हैं, ज़रा सा आप ऐसे हाथ लगाओगे तो बहुत फूले लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसको अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि ये आपके सन रेज से भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। तो आप बाहर धूप में निकलने से पहले भी इसे अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। ऐसा हेयर सीरम मैंने नहीं देखा कि कोई भी हेयर सीरम कोई सनलाइट से आपको प्रोटेक्ट करे। तो आप इसे लगा के बाहर जा सकते हो, तो आपके हेयर बहुत ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा नरिश रहेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा शाइनी, और अभी आप देख सकते हैं कि मैंने उसी हेयर को सीरम को लगाया हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा शाइनी कर रहे हैं। और मैं कुछ पिक्चर्स लगा दूंगी तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं कि मेरे हेयर कितने पहले कैसे थे और फिर बाद में कैसे हैं। तो मैं भी हाईली रिकमेंड करूंगी, तो आप ये प्रोडक्ट जरूर बाय कीजिए, एक बार तो ट्राई करना बनता है। तो हो सकता है आपको भी ये पसंद आए, क्योंकि आपके हेयर को बहुत ज़्यादा हेल्दी और नरिश रखेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, अगर हेल्पफुल लगा होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।